बनास नदी से अवैध पानी दोहन पर सख्ती बढ़ती गई तो अब चोरी छिपे एक दर्जन से अधिक पंप सेट लगाकर वारी बांध से दिन रात लाखों लीटर पानी का दोहन किया जा रहा है, जिससे बांध का जल स्तर तेजी से घट रहा है, जबकि इस बांध से कई गांवों के किसानों की रोजी चलती है। गुवारड़ी क्षेत्र के आसपास के औद्योगिक इकाइयों में पानी की समस्या बनी रहती है। ऐसे में पहले बनास नदी में पंप लगाकर पानी का अवैध दोहन किया जा रहा था, लेकिन यहाँ निगाह रखे जाने के बाद अब गुवारड़ी बांध के एकांत इलाके में जहां लोगों की आसानी से पहुंच नहीं है, वहां एक दर्जन से ज़्यादा विद्युत चलित और डीजल पंप सेट लगा दिए गए हैं, जो 24 घंटे लगातार चल रहे हैं। लोकवाणी टीम ने गुवारड़ी बांध के पेटा क्षेत्र का जायजा लिया तो वहां जहां लोगों को आसानी से पहुंच नहीं होती है, उस क्षेत्र में केबल बिछाकर पानी का दोहन किया जा रहा है। केबल भी कई जगह से कटी हुई है, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। गुवारड़ी बांध से प्रतिदिन लाखों लीटर पानी औद्योगिक इकाइयों में चोरी छिपे पहुँच रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जानकारों को इसकी जानकारी न हो, लेकिन चंद सिक्कों के खातिर उनकी नज़र उन क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पा रही है जहाँ रात हो या दिन डीजल इंजनों की खटपट गूंजती रहती है। लोकवाणी पर देखे हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की यह रिपोर्ट। भीलवाड़ा चित्तौड़ मार्ग पर शहर के समीप करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गुवारड़ी बांध, और हम देख सकते हैं कि करीब 12 से 13 किलोमीटर के जो क्षेत्रफल के अंदर यह बांध यहां पर फैला हुआ है, और यहाँ का जो दृश्य अगर देखना चाहेंगे तो बहुत ही रमणीक दृश्य है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है इसको अब पर्यटन के हिसाब से भी डेवलप करने के लिए यहाँ पर अब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आज जब हमने यहाँ आकर देखा तो यहाँ इस जो बांध का जो पानी है, अवैध रूप से इस पानी का यहाँ पर दोहन किया जा रहा है। अभी हम देख सकते हैं करीब एक दर्जन पंप सेट यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनसे यहाँ पर ये पानी का दोहन यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार हम देख सकते हैं कि अवैध तरीके से ये पानी का दोहन होने से इस जो गुवारड़ी बांध का जल स्रोत है ये भी घट रहा है, और यहाँ के जो आसपास के क्षेत्रवासी साथ ही जो यहाँ के जो मवेशी है और जो जलीय जीव है इनके ऊपर भी संकट यहाँ पर मंडराता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हम देख सकते हैं करीब एक दर्जन पंप सेट यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये पूरी तरह से अज्ञात जगह है, और पूरी तरह से यहाँ पर ये पूरी तरह से झाड़ियों के बीच में है। यहाँ पर आम जन का आना जाना बहुत ही मुश्किल होता है, और आम जन का यहाँ मुश्किल कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। अभी जिस पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है श्याम लाल जी ने हमें बताया कि किस प्रकार यहाँ पर दोहन हो रहा है, उसी को हम यहाँ पर देखने के लिए आए। हमने देखा मौके के ऊपर कि अवैध रूप से यहाँ पर हमें यहाँ पर पानी का दोहन होता हमें दिखाई दे रहा। अभी भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पाइप दबी हुई है, और यहाँ पर करीब 1 किलोमीटर से जो अवैध तरीके से जो केबल और जो वायर है इनके द्वारा यहाँ पर बीच खेतों के द्वारा यहाँ पर खेतों में बीच में से होकर यहाँ पर लाइन डली हुई है, जिससे कई बार हादसे होने का भी अंदेशा भी यहाँ पर बना हुआ है। अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के क्षेत्रवासी और सोना के उप प्रधान श्याम लाल जी गुजर, इनसे चर्चा करते हैं कि जो पानी का यहाँ पर दोहन हो रहा है क्या इसकी कोई एनओसी है या कहाँ जा रहा है ये सारा पानी? कोई एनओसी नहीं है। पहले गाँव वासियों ने मेरे को 2-3 बार बताया था कि यहाँ पे अवैध तरीके से पानी ले जाया जा रहा है, और मेरे को समय के अभाव के कारण मैं आ नहीं पाया। आज जब मैंने यहाँ पे आके मौके पे देखा तो यहाँ पे कम से कम एक दर्जन मोटर पंप लगी हुई है और जुगाड़ लगे हुए हैं। जब लाइटें चली जाती है तब यहाँ से पानी इन जुगाड़ों द्वारा पहुँचाया जा रहा है। ये चोरी छिपे यहाँ से औद्योगिक क्षेत्र वाले जितने भी यहाँ ये मोटर लगी हुई है गलत तरीके से इसका पानी का दोहन कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है पानी, कुछ आसपास में पता है? अभी पता करते हैं, वहाँ आए हैं तो सब जगह पता करते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है, पर जाए ये औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ही जा रहा है। और यहाँ पर किसानों को जब कोई पंप सेट लगा देता है तो उसको अवैध मान के उसको सीज कर दिया जाता है, पर इनके ऊपर अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ी और गलत तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से अवैध पानी ले जाया जा रहा है। आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम गुवारड़ी बांध बचाओ एक समिति मनाएंगे, जिसमें हम यहाँ से जो पानी ले जाया जा रहा है उसको भी रोकेंगे, और गलत तरीके से जो यहाँ पे पानी डाला जा रहा है उसको भी रोकने का प्रयास करेंगे। दूषित पानी छोड़ने की भी लगातार कहता है, दूषित पानी औद्योगिक इकाइयों द्वारा इसी में पानी में छोड़ा जा रहा है। पहले बनास और कोठारी वैसे ही खराब हो चुकी है, पेयजल अगर सबसे बड़ा भिलवाड़ा के पास स्रोत माने तो गुवारड़ी बांध है। अब धीरे धीरे ये भी दूषित होता नजर आ रहा है, चारों तरफ से फैक्ट्री वालों ने यहाँ पे पानी छोड़ना शुरू कर दिया, और जो नीचे की फैक्ट्रियां हैं वो टैंकरों द्वारा यहाँ पे पानी छोड़ा जा रहा है। मतलब शुद्ध पानी ले रहे हैं, दूषित छोड़ रहे हैं। हाँ, शुद्ध पानी लेके यहाँ पे दूषित पानी छोड़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो जिस प्रकार जो उपप्रधान है सोना के श्यामलाल गुजर, यहाँ के क्षेत्रवासी भी है, इन्होंने बताया कि यहाँ के जो आसपास की औद्योगिक इकाइयों द्वारा
शुद्ध पानी यहाँ से लेकर चोरी छुपे टैंकरों के माध्यम से वापस दूषित पानी इसी गुवाहाटी बांध में छोड़ा जा रहा है। इसको लेकर अब ये एक संघर्ष समिति बनाकर जो ये दूषित पानी छोड़ा जा रहा है या गुवाहाटी बांध को बचाने के लिए अब ये संघर्ष करेंगे। लोकवाणी के लिए मैं बिरोड़ा से प्रहलाद तेली।